गुड आफ्टरनून पीपल। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, बढ़िया। वेरी गुड, गुड टू हियर दैट। ऑल राइट, सो इज एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास? 39, दो तीन लोग कम है, नॉर्मली 41-42 होता है। एक दो मिनट दे लें, अगर किसी को आना है जो बचे हुए हैं उसको आ जाए। एक्सक्यूज मी सर, दो मिनट दे लेते हैं बाकी जो ज्वाइन करना है जिनको, या इधर उधर हो। ओके, ठीक है सर, वी स्टार्ट इन 2 मिनट्स। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए सर। डोमेन किसे कहते हैं सर? डोमेन, डोमेन मतलब एरिया। अच्छा, ओके सर। मान लो दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, एक मैं एक कोई और। यस सर। मान लो फॉर एग्जांपल, इट इज ओनली फॉर एग्जांपल, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं सर, डोमेन एक्सप्लेन करने। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई टीचर मुझको बताते हैं कि जायरो कंपास ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। मैंने कहा सर नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे होता है। अरे नहीं ऐसे, तो मैं कहता हूँ कि सर दिस इज माई डोमेन, आई नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। Understood the meaning? Yes sir, मतलब हम ये कह सकते हैं जो मतलब अगर magnetic field lines है, magnetic field है उसका एक area। Yes. Okay sir. जैसे एक दादा होएगा for example, भाई कोई दूसरा आता है तो उसमें लड़ाई होती है, खबरदार यहाँ आना मत, this is my domain। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? फादर, गुजरात में कुत्ते बुत्ते भौंकते ना सर, जब एक दूसरे के डोमेन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसमें भी डोमेन होती है, उसमें बेसिकली एक ड्राइव का डोमेन है, कुछ है इस तरीके से होता है। इट इज बेसिकली टू एक्सप्लेन एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? Yes, sir. अब बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, कहां से उठा के लेके आया ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं इफ यू नीड। नहीं सर, बस नोट्स में लिखा था, नोट्स में एक लाइन लिखी हुई थी सर, ये समझना था। डोमेन इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वेयर मैग्नेटिक मटेरियल इज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन एंड व्हिच कॉजेस अलाइनिंग ऑफ द एटम। तो भैया एकदम साफ तो कह रहा है, अब तो समझ में आ गया कि इस मैग्नेट के अराउंड एक एरिया है जिसमें लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, जिसमें अगर एक सस्पेंड करो तो वो अलाइन होता है लाइंस ऑफ फोर्सेस से। एरिया ही तो है, अर्थ का डोमेन है जो एटमॉस्फेरिक एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड हो रही है, दैट्स अर्थ डोमेन। जिसका जहां पे इन्फ्लुएंस है दैट्स डोमेन, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली ऑफ व्हाट एवर काइंड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे दादागिरी, वहां पे पढ़ाई का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। यस सर। All right, so time pass कर ही दिया आपने, so एक join भी कर लिया किसी ने। All right, so yesterday we had seen the ship's permanent magnetism, is that right? Yes, sir. जहाज में permanent magnetism किसी भी orientation में हो सकता है, vertical orientation में कैसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ red, ऊपर की तरफ red, parallel red, parallel इस तरफ। Vertical positioning will depend on what? When the ship is getting built, vertical orientation of the magnet, ship's permanent magnet will depend on what factor? Making ho hi raha hai, but making mein kya cheez hai jo metal, depend metal. Kare jo hull structure? No. लोकेशन, किस जगह पे मेक हुआ है, इक्वेटर या किस जगह पे हुआ, लेटिट्यूड जगह मतलब है। क्या इंडिया में, यूएसए में, कि ऑस्ट्रेलिया में, कि चाइना में, ये सर हेमिस्फीयर सर, लेटिट्यूड। लैटिट्यूड, वेरी गुड। लैटिट्यूड, जहाज अगर ऐसे है तो रेड पोल नीचे की तरफ होगा, अगर नॉर्थ में है
ऊपर की तरफ होगा अगर साउथ में बनी है। बढ़िया बात। यस सर। अगर पोल पे बना है नॉर्थ पोल पे तो रेड पोल नीचे होगी, अगर साउथ पोल पे बना है तो रेड पोल ऊपर होगा। इक्वेटर पे बना है तो सर हॉरिजॉन्टल होगा सर, फॉरवर्ड एंड अपलाइन। वेरी गुड, बट व्हाई आर वी ऑल क्लियर ऑन दैट, व्हाई इट इज हैपनिंग? लाइन ऑफ फोर्सेस के वजह सर। यस सर। बिंगो। यस सर। बिंगो, एग्जैक्टली, बिकॉज़ लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट इन द साउथ पोल getting into the north pole, equator पे horizontal है, यहाँ पे vertical, तो जहाज जब यहाँ बनेगी तो vertical हो जाएगा, यहाँ पे equator पे बनेगी तो horizontal हो जाएगा, north में बनेगा तो नीचे की तरफ जाता हुआ red pole होगा, अगर south में बनेगा तो ऊपर की तरफ जाता हुआ pole होएगा। Then शिप में ऊपर नीचे तो हो गए, ये लैटिट्यूड से हुआ कि ऐसे बनेगा कि ऐसे कि ऐसे कि ऐसे वर्टिकल, ऐसे ऐसे में क्या डिपेंड करता है कि कैसे ओरिएंटेशन में बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे बना कि ऐसे बना कि ऐसे बना कि ऐसे बना, रेड पोल की अगर बात करें तो व्हाट विल डिसाइड विच ओरिएंटेशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन? समझ में नहीं आया, लाइन ऑफ फोर्सेस। आई एम सेइंग जहाज का परमानेंट मैग्नेट का वर्टिकल अलाइनमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, वो एस्टैब्लिश कर लिया हमने कि जिस लैटिट्यूड में होगा उसके हिसाब से उसका ओरिएंटेशन होगा, वर्टिकल में ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल है। यस सर। नाउ वी आर सेइंग कि अगर जहाज ऐसे है तो उसमें ऊपर नीचे तो हो गए लैटिट्यूड के चलते कि ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे, लेकिन ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या ओरिएंटेशन है, व्हाट फैक्टर विल डिसाइड दैट? सर अर्थ मैग्नेटिक पोल सर, वो तो हमेशा एक ही जगह रहता है, वो तो हमेशा साउथ से चलता है नॉर्थ की तरफ जाता है, वो तो हमेशा फिक्स्ड है, इसीलिए तो हम लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा वर्टिकल दिखाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। क्यों पूछ रहे हैं ना आप, क्यों किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट? शुड आई हेल्प सर? क्या ये आप डिप वाले का की बात कर रहे क्या सर, इसका कनेक्शन उससे है क्या? जिस एंगल पे लाइन, आवाज कट गई थोड़ी सर, डिप, डिप से तो हो गया, डिप तो वर्टिकल एंगल है ना, हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल वर्टिकल, ये तो डिप एंगल तो उसी के लिए है जो हमने बात किया लैटिट्यूड्स पे डिप चेंज होता है ना। यस सर। जीरो डिग्री इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री पे वर्टिकल, बीच में, तो ये तो लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है डिप, और वो तो हमने कर ही लिया कि ओरिएंटेशन इसका जो जहाज का परमानेंट मैग्नेट ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, वो तो डिप से ही हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड में है फेसिंग, पोर्ट फेसिंग है कि स्टारबोर्ड फेसिंग है, कि हर अथवा शिप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या डिसाइड करें सर? उसका उससे डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ से, क्योंकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ सिर्फ हमेशा डायरेक्ट करेगा। पोल्स, पोल भाई हमेशा एक ही जगह रहता है। ओके, सो इजी, आप बोलेंगे कि हाँ ये तो आप सर क्या बोलते हो, ऐसा बोलोगे हेडिंग ऑफ द शिप। हाँ ओके सर। हाँ अच्छा, वो जो आपने दिखाया था कि इस साइड है तो वो रेड एंड ब्लू होगा, फिर आपने चेंज कर दिया था तो अदर वे अराउंड हो गया था। बोलेंगे ना अगर नॉर्थ में कर रहा है तो ऐसे होगा लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर इधर हो रहा है तो स्टारबोर्ड की तरफ चला गया, इधर करके बन रहा है तो यस सर, यस सर, अगर इधर हुआ तो पोर्ट की तरफ चला गया, अगर इधर करके बन रहा है तो आफ्ट की तरफ रेड पोल हो गया, इधर चल रहा है तो फॉरवर्ड की तरफ पोल हो गया, अगर 90 डिग्री पे बन रहा है 270 या 90 पे तो या तो अथवा शिप टोटली अथवा शिप हो जाएगा, होगा या नहीं सर? दिख नहीं रहे सर आप, आंख खोलो दिख जाऊंगा। अरे यो सर दिख नहीं रहे सर आप मुझे। अरे तो आंख खोलोगे तब ना देखूंगा।
सर सुन रहे हैं सर, मतलब सिर्फ आवाज आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रहा था मेरे। लॉग ऑफ करके लॉग इन करो। हाँ खोलो जल्दी खोलो बम्बर। खिलाओ कट से कट से। लॉग ऑफ करो लॉग इन करो। जल्दी करो, यू आर वेस्टिंग टाइम। गया सर, मिस्टर इंडिया हो गए आप। हैं मिस्टर इंडिया? लाल रोशनी के नीचे है सर मिस्टर Red इंडिया Port. हम ना वो हुआ अंबर त्रिपाठी। नहीं सर आप उसके लिए गायब हो गए ना सर, आप लाल लाइट के अंदर आइए सर। अब आ गए सर, मैं आ हो गया, आ गए सर। बड़ा धुंधला सा है आपका स्क्रीन सर। ओके ऑल राइट। सो हमने देखा कि जहाज में, अगर जहाज मान लो ऐसे है एकदम फेसिंग यू इनटू द स्क्रीन इज द शिप। अब इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी भी एंगल में हो सकता है कि नहीं, किसी भी एंगल में हो सकता है या नहीं? यस सर। तो परमानेंट मैग्नेटिज्म कैन ऑब्टेन एनी ओरिएंटेशन। जहाज ऐसे है, इसमें ऐसे 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 कोई भी ऑब्लिक एंगल पे हो सकता है, अथवा शिप होगा, फॉरवर्ड होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। तो इसके बिहेवियर को, इस मैग्नेटिज्म को, परमानेंट मैग्नेटिज्म को हमने कैसे रिजॉल्व किया है? डिड वी रिजॉल्व इट इन थ्री कंपोनेंट्स? एक फॉरवर्ड आफ्ट में क्या असर देगा, अथवा शिप में क्या असर होएगा, वर्टिकल में क्या असर होएगा? तीन कंपोनेंट में कल हमने डिवाइड किया इसको, पी क्यू आर। PQR. तो समझ लो कि PQR एक कंपास पे फॉरवर्ड वाली जो है वो भी असर डालेगा, अगर अथवाशिप है वो भी डालेगा, अगर ऊपर नीचे है तो इसको ऊपर नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो हमें तीनों कंपोनेंट को देखना है और उन कंपोनेंट का क्या असर पड़ता है उसको देखते हुए हमें इन कंपोनेंट्स को कैंसिल करना होगा, ताकि कंपास इज ओनली ऑपरेटेड बाय अर्थ मैग्नेट नॉट द शिप्स मैग्नेट। अगर शिप के मैग्नेटिज्म से होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सामने रख दिया, मान लो रेड पोल के सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लू पोल रख दिया, अब जहाज इधर जाएगी, इधर जाएगा जहाज के साथ, तो ये नॉर्थ तो बताएगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको खींचे हुए यहां पे जिधर जहाज जाती है उधर कंपास घूमता है, जबकि हमें चाहिए कि जहाज किधर जा रही है वो जाए, लेकिन ये बताए कि नॉर्थ इधर है तुम इधर जा रहे हो, नॉर्थ इधर है तुम इधर जा रहे हो। सो वी नीड टू नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ पी क्यू आर। कैसे करते हैं? हाउ इज इट करेक्टेड? नहीं समझ में आया, कुछ दो तीन लोग बोल गए एक साथ। विनोद तुम बोलो सर। इनके जो पी क्यू आर है इनके अपोजिट में लगाए फोर्स लगा के उनको निकल सकते। हाँ अपोजिट में तो लगाएंगे, कैसे लगाए भाई? मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसा वहां पे एक लाठी खोज दे, डंडा लगा दे वहां पे सर, फ्लिंडर बार लगा के सर। है सिलेंडर बार, हमने कहा बात किया अभी? वो रिंग्स लगा करके वो बॉल्स सर, पिनेकल, पिनेकल में जो रहता है सर, पिनेकल में परमानेंट मैग्नेट करेक्टर मैग्नेट्स लगाते हैं, पी क्यू पी फोर्स के लिए फॉरवर्ड आफ्ट में लगाते हैं, क्यू तो के लिए परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, और बकेट बोला था हीलिंग एरर के लिए, हीलिंग एरर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बकेट में वर्टिकल रॉड्स डालते हैं बोला था जी सर। तो परमानेंट है तो परमानेंट चाहिए ना, परमानेंट मैग्नेट उधर है तो परमानेंट करेक्शन चाहिए,
बिल्कुल सर. सो दे आर ऑल करेक्टेड बाय मींस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट करेक्टर मैग्नेट्स, जिसके लिए बिनाकल में स्लॉट्स बने होते हैं अथवा फेसिंग फॉरवर्ड ऑफ एंड पॉकेट में वर्टिकल. अगर कम इफेक्ट चाहिए तो थोड़ा सा बकेट दूर कर देते हैं, थोड़ा सा खींच देते हैं, थोड़ा नजदीक कंपास के चला जाता है तो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जितना पी क्यू आर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से इसको नलीफाई करेंगे. सही बात? यस सर. ओके, नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्ट आयरन. Soft iron is related with induced magnetism, correct or not? Yes, sir. मतलब जहाज में अगर एक क्रेन है तो क्रेन का पिलर है और क्रेन का बूम है. अगर जहाज ऐसे है फॉरवर्ड फेसिंग, अगर नॉर्थ जा रही है, अगर नॉर्थ जा रही है जहाज तो इज इट अलाइंड विद द लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये मैग्नेटाइज होगा या नहीं? होगा सर. यस सर. अगर ईस्ट जा रही है, सॉरी वेस्ट जा रही है तो अब क्या ये अलाइन होगा, मतलब ये मैग्नेटाइज होगा? ये नहीं सर. क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल नहीं है सर. पैरेलल नहीं है, एट 90 डिग्री है. अगर फोर्स इधर को होगा, इधर को, ना तो परपेंडिकुलर एकदम ना अलाइंड, एट एन एंगल होगा तो ये होगा. यस सर. पार्ट होएगा, ना तो पूरा होगा, ना जीरो होगा, ना पूरा मैक्सिमम होगा, बीच में कुछ होएगा. ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा? इसकी मैग्नेटाइजेशन होगी या नहीं, या होगी तो किससे होगी, कैसे होगी? होगी सर. होगी, कैसे होगी, किस बात पे मैग्नेटाइजेशन होगा इसका? एंगल. हाँ जी, एंगल से सर, वो जो लाइन ऑफ फोर्सेस के एंगल पे. एंगल तो है, लेकिन यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर ही दिख रहा है मुझको. इधर लाइन है, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहीं जाए, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर ही है उसके. लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर, जहाज इधर को जाती है या इधर को जाती है, इधर को जाती है, कहीं भी जाती है, ये तो इसके परपेंडिकुलर ही है, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन कैसे हो? सर क्या इसका भी लैटिट्यूड से लेना देना है? यस, वेरी मच सो. व्हाई? बिकॉज एट इक्वेटर लाइंस ऑफ फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल, मतलब टोटली ऐसा. लेकिन अगर पोल पे गए तो एवरीथिंग इज जेड और नॉट. हाँ जी, तब इफेक्ट होगा. यस सर. पोल पे ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइंस ऐसे हो गए सारे, सारा सारा एच का कुछ वैल्यू रहा नहीं, तब जेड हो गया. यस सर. तो इस टोटल मेंबर का, हे अंबर त्रिपाठी, टीवी चला के पता नहीं क्या कर रहे. अंबर माइक खुला है. अंबर क्या कर रहे थे, क्या चल रहा है इतना शोर पीछे तुम्हारे, कैसे पढ़ रहे हो तुम? अंबर, अंबर सर इतना शोर है, आपको सुनेगा कैसे सर? वो भी बात है. अंबर त्रिपाठी, आकाश त्रिपाठी सर, अंबर ही है वो. गगन त्रिपाठी शोर है सर, वो नहीं सुन सकते सर, आपको वो शोर है सर. सर आप शोर नहीं करो. ऑल राइट, ठीक है. सो द वर्टिकल मेंबर्स गेट मैग्नेटाइज्ड बाय जेड, जहां जेड होगा. माइक सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, सेंटर में देखिए. पीछे बहुत शोर हो रहा है, आई डोंट लाइक इट कि तुम इतने शोरगोल में पढ़ रहे हो, मतलब ध्यान तुम्हारा इस तरफ उतना नहीं हो पाएगा.
अरे सर तीन लोग हैं सर, तीन लोग क्लास कर रहे हैं सेम लोग, तो इसलिए सर वैसा। ओके एक ही कमरे में रहते हो? हाँ सर, एक रजत सर से पढ़ रहा है, एक आप हम लोग आपसे पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, चलो चलो कुछ नहीं कर सकते उसमें। कान में हेडफोन लगाओ और माइक्रोफोन जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए। ऑलराइट, सो द वर्टिकल मेंबर्स गेट मैग्नेटाइज्ड बाय जेड, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स गेट मैग्नेटाइज्ड बाय एच। सो अलग अलग टाइम में अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होगी। हेडिंग के चलते जो हॉरिजॉन्टल चीजें हैं वो अलग अलग मैग्नेटाइज होगा, जैसे फॉरवर्ड आफ्ट बूम था अभी हमने बात किया, हॉरिजॉन्टल है ये। हॉरिजॉन्टल चीज जब नॉर्थ जा रहे होंगे तो मैक्सिमम, वेस्ट जा रहे होंगे तो जीरो, ईस्ट जा रहे होंगे तो जीरो, साउथ जा रहे होंगे तो मैक्सिमम। ऐसे ही मंकी आइलैंड का मान लो छत है, उसमें पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर्स हैं लंबे वर्टिकल हैं, साइडवेज चल रहे हैं बीम्स, गर्डर्स मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस कमरे के स्ट्रक्चर में जो ब्रिज है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें वर्टिकल मेंबर्स भी हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी हैं, हॉरिजॉन्टल में अथवाटशिप भी है, फॉरवर्ड आफ्ट भी है, कुछ कुछ कहीं कहीं हो सकता है कि एंगल पे भी हो, जैसे हमने क्रेन का बूम उठा दिया है तो हो सकता है कि ऐसा भी हो। सो देर आर सो मेनी मटीरियल्स ऑन बोर्ड शिप विच आर सॉफ्ट आयरन एंड दे कीप ऑन एक्वायरिंग मैग्नेटिज्म, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस समटाइम्स नेवर, आई मीन नील। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है वो सर आपने बताया था उसकी इंटेंसिटी कम हो रहती है सर, तो सर जब अर्थ की जब मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम रहेगी तो सर उतनी कम फील्ड में कैसे वो मैग्नेटाइज हो पाएंगे सर इतने मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर? ओके आपका कंपास अलाइन क्यों हो रहा है उस तरफ को? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब इतना दम तो है उसमें कि इसको अलाइन कर दे रहा है? यस सर। तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगाएगा कि नहीं जो भी सॉफ्ट आयरन है उसमें? हाँ सर लगाएंगे सर। कितना लगाए, चाहे इतना लगाए या इतना लगाए या इतना लगाए, लगाएगा ना? यस सर यस सर। तो मैग्नेटाइजेशन होगी या नहीं, इतना हो इतना हो इतना हो इतना हो? यस सर होगी मैग्नेटाइजेशन। आप एक बाल के टुकड़े को फोर्स लगा रहे हो, नहीं हिल रहा। एक बाल के टुकड़े को आप फोर्स लगा रहे हो, नहीं हिल रहा। फोर्स तो लगा रहे हो ना भाई? यस सर। और अगर ये फोर्स एनफ है तो बाल के टुकड़े को भी हिला देगा, और अगर पत्थर रखिए तो वो भी हिला देगा। यस सर। तो द फैक्ट रिमेन्स कि ये सारी चीजें मैग्नेटाइज होती है। सर जो भी मेटालिक रहेगा या फिर जो भी मटेरियल इसका रहेगा वो मैग्नेटाइज होगा सर? जो मेटालिक होगा वो नहीं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो। ओके सर, फेरोमैग्नेटिक। अगर आपका जहाज सोने से बना हुआ है तो हो सकता है नहीं होगा इतना मैग्नेटिज्म, या चांदी का बना है तो नहीं होगा, कॉपर का बना है तो नहीं होगा, लेकिन निकेल कोबाल्ट और आयरन का बना है तो जरूर मैग्नेटाइज। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके तो अब हमें पूरे जहाज में घूमना पड़ेगा भाई, ये वाली कितनी मैग्नेटिज्म, उसमें कितना, उसमें कितना, उसमें कितना, और वो भी करना पड़ेगा कि मैं किस लैटिट्यूड पे हूं और किस हेडिंग पे जा रहा हूं। यस सर। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बेसिकली इम्प्रैक्टिकल, कैनॉट बी डन। We cannot study each and every member of soft iron in the ship and find out the net effect. So what we do,
we have created to study the effects of soft iron on the compass, we have made a concept of imaginary rods. हम ये मान के चलते हैं कि कंपास के आसपास में एक रॉड रखी है, नहीं रखी है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसका इफेक्ट, थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा उसका, सबका इफेक्ट, देयर कैन बी अज्यूम टू बी अ रॉड इन फ्रंट ऑफ द कंपास और अ रॉड बिहाइंड द कंपास और अ रॉड ऑन द पोर्ट साइड ऑफ द कंपास और अ रॉड ऑन द starboard side of the compass or above the compass or below the compass. Possible hai ya nahi? Compass will be affected if there is a soft iron around it, forward aft line mein, athwart ship line mein and vertical line mein. Kahin pe bhi ho sakta hai? Yes, sir. So, there are three orientations and three planes rather in which the soft irons can be there. These are imaginary soft iron rods. They can be either in compass, agar yahan pe hai, okay, board pe chalte. Right. So if the ship is like this and compass is here, there can be rod aligned forward aft, ya to yahan pe ho sakta hai, yahan pe ho sakta hai, or it can be aligned athwart ship, ya yahan ho sakta hai, idhar ho sakta hai, or we can think that यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, vertical plane में हो सकता है, ये sideways view है. Which side of the ship you are standing right now? कौन से सर? Second figure में सर? हाँ, second figure में. सर, port और starboard side. Port side और starboard side. सर, port side होगा ना? Port side सर. Port side. आप बाव देख रहे हैं उधर, बाव देख रहे मतलब आप इस तरफ पे हो ना, टू द लेफ्ट ऑफ द शिप. ओके, सो दिस इज साइड व्यू. साइड व्यू से हम वर्टिकल प्लेन देख रहे हैं एंड दिस इज टॉप व्यू, हम ऊपर से देख रहे हैं जहाज को. तो जहाज को ऊपर से देखेंगे तो फॉरवर्ड आर्ट, ये एक प्लेन हो गया अथवा शिप, ये फॉरवर्ड आर्ट लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हो गया एफ ए, और ये हो गया वर्टिकल प्लेन. देयर आर थ्री प्लेन्स अराउंड विच द रॉड्स कैन बी प्लेस्ड और कैन बी इमेजिन टू बी प्रेजेंट. बट लेट अस से फॉरवर्ड, यहां पे एक रॉड है जो कि कैन इट बी कंसीडर्ड that it is like this. Agar ek imaginary rod hai, so is it possible that the rod which is forward of the compass is aligned forward aft? Possible hai ya nahi? Nahi samajh mein aaya kya bola? Nahi samajh mein aaya to bolo, nahi samajh mein aaya fir se batao. तो मतलब सारे डायरेक्शन में रॉड प्लेस कर देते हैं. अगर मान लो हम एक केस ले रहे हैं कि कंपास के फॉरवर्ड में है, तो कंपास के फॉरवर्ड में एक रॉड ऐसे हो सकता है या नहीं? यस सर. ऐसे हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है. ऐसे हो सकता है या नहीं? यस सर. तो इसके फॉरवर्ड में जो रॉड है वो फॉरवर्ड आफ्ट भी हो सकता है, अथवा शिप भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है. ऐसा यहाँ पे भी होगा या नहीं? कि यहाँ पे पीछे तो है लेकिन अलाइंड फॉरवर्ड आफ्ट, पीछे तो है लेकिन अलाइंड अथवा शिप, पीछे तो है बट वर्टिकल.
Yes, sir. Possible है या नहीं? Yes, that means in earthwatching plane we have got three orientations. या तो forward aft line में यहाँ यहाँ यहाँ, या तो forward aft होगा, या earthwatching होगा, या vertical होगा. Now talk about this earthwatching plane. यहाँ पे एक rod present है, वो ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं. Yes, sir. तीन में हो सकता है. यहाँ पे अगर स्टारबोर्ड में देखें तो भी अलाइंड अथवाचिप, अलाइंड फॉरवर्ड आफ्ट, अलाइंड वर्टिकल हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर. तो दिस इज ऑल्सो हैविंग थ्री पॉसिबिलिटीज. ये अथवाचिप प्लेन में रॉड जो है वो या तो फॉरवर्ड आफ्ट है, अथवाचिप है, या वर्टिकल. अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें तो इज इट पॉसिबल कि कंपास के नीचे एक रॉड है विच इज अलाइंड फॉरवर्ड ऑफ, विच इज अलाइंड अथवाट शेप, और विच इज अलाइंड वर्टिकल? इज दिस फॉरवर्ड ऑफ? यस सर. इज इट अथवाट शेप पोर्ट स्टारबोर्ड? यस सर. इज इट वर्टिकल? यस सर. तो यहां पे नीचे हो तो ये फॉरवर्ड आफ्ट भी हो सकता है, अथवाचिप भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है. अगर ऊपर में देखें तो ऊपर में भी फॉरवर्ड आफ्ट हो सकता है, अथवाचिप हो सकता है, या वर्टिकल हो सकता है. पॉसिबल है या नहीं? यस सर, पॉसिबल है. तो दिस आल्सो हैज गॉट थ्री पॉसिबिलिटीज. सो 1, 2, 3 × 3. How many possible situations are you seeing for a rod? 9, sir. 9. So, the soft iron of the shape is represented by 9 imaginary rods. The soft iron of the shape is represented by 9 imaginary rods, which can be either in forward aft plane or athwartship plane or vertical plane, and by themselves they may be horizontally, I mean forward aft aligned, or athwartship aligned, or vertically aligned in this plane or in this plane or in this plane. Three possibilities in each plane. 1, 2, 3 plane aur har jagah 3 possibility. 3 × 3, 9. So ships SI may be represented by 9 imaginary rods. Are we good? Yes, sir. Okay. So these rods are named as A rod, B rod, C, D, E, F, G. मेरे ख्याल से H नहीं है. H है एंड K, IJ नहीं होता. These are three rods. All these 9 rods are represented by these 9 letters: A rod, B rod, C rod, D, E, F, G, H, K. Are they 9? The rods? Yes, sir. 9 rods को हमने नाम दे दिया या नहीं? Yes, sir. Okay. So these 9 rods are given these names A, B, C, D, E, F, G, H, K. तो हमने बोला कि कंपास के
आगे में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या वर्टिकल, आगे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या वर्टिकल, यहाँ पे ऐसे हो सकता है या वर्टिकल, इसको तीसरा हम ऐसा तीसरा ओरिएंटेशन ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी अथवार्डशिप हो सकता है, फॉरवर्ड आर्ट हो सकता है या वर्टिकल, ऊपर में वर्टिकल। सो तीन कंडीशन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन ऊपर तीन नीचे, तो क्या ये 9 हुआ या 18 हुआ? यहाँ पे तीन कंडीशन, यहाँ पे तीन कंडीशन, पोर्ट में तीन कंडीशन, स्टारवर्ड में तीन कंडीशन, तीन दुना छह तो यही हो गए, इसी में छह हो गए, हो गया या नहीं? यस सर। फॉरवर्ड आफ्ट में भी छह हो गया? यस सर। तो वर्टिकल में भी कंपास के ऊपर या तो वर्टिकल होगा, फॉरवर्ड आफ्ट होगा या अथवार्डशिप होगा। यहां पे भी हो सकता है कि फॉरवर्ड आफ, अथवार्डशिप या वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल, फॉरवर्ड आफ या अथवार्डशिप हो गया। तो तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन टोटल कितना हो गया? 18। Is it 18? हो गया या नहीं? जी सर। सर समझ नहीं आया। अभी हमने कहा, फिर दोबारा बता दो 18 कैसे हो रहा है। ठीक है, बता रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे जहाज है, इस लाइन में एक रॉड ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ये फॉरवर्ड है, ये आपकी तरफ फॉरवर्ड है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है अथवार्डशिप, फॉरवर्ड आफ्ट हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है, कितने पोजीशन हो गया? कितने हो गए? फॉरवर्ड आफ्ट, अथवार्डशिप और वर्टिकल, यहाँ ये अभी एक कंडीशन में ये कितने कंडीशन हो गए? तीन, तीन, नौ कहां से बोल रहे हो? यहाँ फॉरवर्ड में तीन, तीन आफ्ट में भी ऐसे हो सकता है कि नहीं? फॉरवर्ड आफ्ट, अथवार्डशिप और वर्टिकल, यस सर। टोटल कितना हुआ? छह। यहाँ ये हो सकता है कि नहीं? यस सर, नौ हुए। ये इधर हो गया, इधर हो सकता है या नहीं? बारह। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं? ऊपर में कंपास के ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा, यस सर। नीचे पंद्रह हुए अभी। यहाँ फॉरवर्ड आफ्ट, अथवार्डशिप और वर्टिकल, हो सकता है या नहीं? यस सर। टोटल कितने हो गए? अठारह। नाइन की ट्वाइस हो गए सर, क्योंकि हमने आगे भी ले लिया, पीछे भी ले लिया, दोनों तरफ ले लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एग्जैक्टली, पहले हमने सिर्फ फॉरवर्ड आफ्ट प्लेन लिया था, एक प्लेन इनटू थ्री, पोर्ट स्टारबोर्ड इनटू थ्री एंड वर्टिकल इनटू थ्री, तो नौ हो गए थे, थ्री इंटू थ्री नौ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऐसा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऐसा है, तो नौ दुना अठारह हो गया कि नहीं? ऊपर नीचे, यस सर। तो इसको हम अठारह नहीं, नौ से ही बात करते हैं हम। दैट इज नाइन, देर आर नाइन रॉड्स, बट ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन्स दे ऑल हैव टू कंडीशन, आइदर द रॉड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, and that makes it total 18. Total 18. तो अब हमें पता करना है कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ए या बी रॉड है कौन सी, किसको बोलते हैं बी रॉड, ऊपर कंपास के ऊपर वाले को या नीचे वाले को या पोर्ट वाले को, स्टारबोर्ड वाले को या फॉरवर्ड आफ, कौन सा रॉड ए है, कौन सा बी, कौन सा सी, कौन सा डी,
और किस कंडीशन में ए विल बी पॉजिटिव एंड व्हेन विल इट बी नेगेटिव। तो एक चीज जो समझने का है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर जहाज ऐसा है और कंपास इज हेयर, एक रॉड मान लीजिए अलाइंड है फॉरवर्ड आफ्ट, तो इसका ये एंड जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट, इसका एंड असर नहीं डालता क्योंकि ये दूर है इससे, तो इसका जो इफेक्ट होगा, अगर रेड पोल है तो रेड पोल अफेक्ट करेगा, अगर ब्लू पोल है तो ब्लू पोल अफेक्ट करेगा, अगर ब्लू पोल है यहां पे तो ब्लू पोल अफेक्ट करेगा। तो द वन पोल विच इज क्लोजर टू द कंपास इज कंसीडर्ड एंड द अदर एंड इज एक्चुअली नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ऑन द कंपास, नंबर वन। नंबर टू, the rod should always be at least in the plane, at least one end should be in the plane of the compass, ya to yahan pe forward aft ho, yahan pe horizontal ho, ya yahan pe vertical, compass ke plane ke upar hona chahiye, agar ek rod soft iron yahan pe hai it is not considered, अगर एक वर्टिकल रॉड यहां पे है जो इसके प्लेन में नहीं है, ये कंपास तो ऊपर है मंकी आइलैंड के ऊपर, एक यहां पे है अगर कुछ स्ट्रक्चर विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द कंपास, कंपास यहां पे है, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द कंपास, इट इज नॉट कंसीडर्ड। आ रही बात समझ में? यस सर। सो दीज रॉड ए बी सी डी वी विल कंसीडर देम only if it is in the plane, at least one end is in the plane of the compass, that means agar ek rod aisa hai, agar aisa hai to hum isko maan sakte hain kyunki one end is in the plane of the compass, लेकिन फिर इसका जो मैग्नेटिज्म होगा उसका एक फॉरवर्ड आफ्ट कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक अथवार्डशिप कंपोनेंट होगा, तो फिर से बात वही आ जाएगी, इमेजिनरी में ही आ जाएगा, इन्हीं के बीच में इनका इफेक्ट आ जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। तो अल्टीमेटली हम इन 9 रॉड से ही जहाज के सॉफ्ट आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं। Now we will go and look in the slide which rod is called A, which is B, which is C, and when A is going to be positive and when it is going to be negative, what are the rules for naming them? Kab ye negative positive hoga, uske rule kya hai? Ek rule to aapne samajh liya abhi ki jab tak wo compass ke line mein na ho, या फॉरवर्ड आफ या अथवार्डशिप या वर्टिकल, तब तक उसका हम इफेक्ट नहीं लेते हैं। अगर एक वर्टिकल ये है जो एक यहां एक यहां है, इसके कंपास के लाइन में नहीं, तो इसका इफेक्ट नहीं लेते। सो एक रूल तो यही हो गया। नाउ वी विल गो ऑन द स्लाइड्स एंड वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट दिस 9 रॉड्स, किसको ए बी सी बोलते हैं। यहां अभी तक ये जो डिस्कशन हुई वो समझ में आ गया? यस सर। ऑलराइट, सो लेट मी सिट डाउन एंड आल्सो ओपन द फाइल, पीपीटी खोलने दीजिए। One moment, please. Sorry.
sharing the screen now. Okay, so force PQR की हमने बात कर ली. This is out of permanent magnetism, hard iron के चलते होता है, वो हमने establish कर लिया. हम इसको बाद में एक बार और review कर लेंगे, जो जो चीज हमने पढ़ी, अर्थ का magnetism, force PQR, ये सब सारी चीजें हम पढ़ लेंगे. बाद में एक बार रिविजन करेंगे. जस्ट रीड थ्रू द सॉफ्ट आयरन बोर्ड ऑन बोर्ड. अभी जो डिस्कशन हो रही थी वही है. Just read through. Do we have three planes? Forward, aft, athwartship, and vertical plane. Teen plane ho gaya. In teen yes, planes, sir. We have orientation of the rod itself, either forward aft aligned, athwartship aligned, or vertical aligned. So 3 × 3, 9 ho gaya. Whether the rod is making an impact on the compass or not, uske liye, what is the rule? At least one end shall be in the plane that can be described, in the plane of the compass. मतलब फॉरवर्ड ऑफ प्लेन में एक एंड कम से कम होना चाहिए, या अथवाशिप में होना चाहिए या वर्टिकल में होना चाहिए. Excuse me, sir. Yes, go ahead. सर ये जो जिस प्लेन में होंगे तो इनका उससे डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा सर. हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. मान लीजिए फनेल है, कंपास से कितना दूर होता है? सर अराउंड 3-4 meters सर, मतलब पीछे ही होता है कंपास के. कंपास के पीछे जनरली होता है, विच इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि कंपास के पीछे होता है. नॉर्मली वर्टिकल है उसमें? यस सर, ऊपर ही होता है. हाँ, वर्टिकल. अब वो जितना प्रोड्यूस करेगा, वो उसका इंपैक्ट जो कंपास के ऊपर पड़ेगा, उस इंपैक्ट को हम रॉड में जोड़ रहे हैं. नहीं समझे? व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे अकोमोडेशन है, यहाँ पे कंपास है, यहाँ पे फनल. इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, अब इसका वर्टिकल पड़ रहा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे एक वर्टिकल रॉड है इमेजिनरी. ओके, ग्रीन में, कि कंपास के आफ्ट में एक रॉड है, आइदर लाइक दिस जो नीचे है या ऊपर है, कुछ दूसरा जो यहाँ स्ट्रक्चर सब है उसका इंपैक्ट कुछ ऐसा पड़ रहा है. ये सब है नहीं, कंपास के ऊपर असर पड़ रहा है तो हम बोलते हैं कि यहीं पे है ये, एक्चुअली इसका असर है जो यहां दिख रहा है. नहीं समझे? मान लो कि यहां पे एक रॉड है और यहां पे कंपास, इसका इंपैक्ट अगर पड़ रहा है वहां कंपास पे राइट साइड में, तो हम मानते हैं कि यहां पे एक इमेजिनरी रॉड है. एक्चुअल आयरन कहां पे है? आगे फॉरवर्ड में. आगे फॉरवर्ड में. लेकिन अगर ये कंपास पे असर डाल रहा है, तो हम मान रहे हैं कि एज इफ देयर इज अ रॉड फॉरवर्ड ऑफ द कंपास, विच कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड आफ्ट, और अथवाटशिप, और वर्टिकल. समझ गए? यस सर. तो इन सब का डिस्टेंस सेम ही रहेगा सर कंपास से, सभी रॉड्स का? कंपास से यही मान के चल रहे हैं कि सेम है, और उस सेम के चलते अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा, अगर ज्यादा है तो, मतलब ज्यादा कम है तो उसके हिसाब से कितना हो रहा है,
that will definitely impact ki how much of deviation is taking place compass mein. तो सर इन रॉड के हिसाब से हम इनका कम ज्यादा इंटेंसिटी कैसे दिखाएंगे, जैसे कोई स्ट्रक्चर बड़ा है कोई स्ट्रक्चर छोटा है? सबको मिलाकर के एक हमने माना, सबको मिला लिया ओके, या फॉरवर्ड इस तरफ को हो गया, फॉरवर्ड हो गया इधर, यहाँ पे कंपास है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा रॉड है कुछ ऐसा रॉड है ऐसा रॉड है, सबका इम्पैक्ट से हमने देखा कि एक ऐसा अथवार्डशिप में है और एक वर्टिकल में है और एक इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ रहा है. सब रॉड्स को मिला करके हम देख रहे हैं कि इट सीम्स एज इफ देयर इज अ रॉड फॉरवर्ड ऑफ द कंपास विच इज हॉरिजॉन्टल, सम विच इज ऑन द पोर्ट स्टारबोर्ड साइड एंड सम बिलो. सारे रॉड्स को मिला लिया, सबका इम्पैक्ट रिजल्टेंट किस में आ रहा है? सारे जितने लोहे हैं जहाज के उन सब का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि हमारे पास सामने इस एग्जांपल में स्क्रीन पे दिख रहा है कि तीन रॉड हैं, एक फॉरवर्ड ऑफ द कंपास है जो फॉरवर्ड आफ्ट अलाइन्ड भी है हॉरिजॉन्टल भी है, दूसरा दिख रहा है कि स्टारबोर्ड ऑफ द कंपास है हॉरिजॉन्टल है और अथवार्डशिप भी है. तो ये सारे मटेरियल जितने हैं जहाज में उन सब का नेट इफेक्ट हम इमेजिनरी रॉड से मानते कि एज इफ देयर इज ए रॉड इन फ्रंट ऑफ द कंपास. वो रॉड नहीं है, वो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट सारे जो जहाज में लोहे हैं उनका. आई बात समझ में? यस सर. So rules for naming the rods. अभी हमने जो orientation देखी, नजदीक वाले का हम पहला नाम देंगे. एक rod जो compass एक rod होगी तो उसका दो end होगा. जिस जो end पहले compass के नजदीक होता है उसको नाम देते minus या plus. बाद में दूसरे वाले को देते. What is the meaning? We are saying that if we have a rod, compass यहाँ है, ऐसा rod हमने माना, तो blue end is the forward of the compass, right? Blue end compass के नजदीक है या नहीं? Yes, sir. तो हम पहले इसको नाम देंगे प्लस या माइनस बोलेंगे, फिर बोलेंगे इसको दूसरे एंड को. अगर कंपास के नीचे एक रॉड है तो हम पहले किसको नाम दें? विच एंड शुड बी गिवन द नेम फर्स्ट? द वन विच इज उसके पास में, विच इज क्लोजर टू द कंपास. अगर हमारे पास जहाज है और कंपास ऐसा है और यहां पे एक पोर्ट साइड में रॉड है तो हम पहले किसको नाम देंगे? प्लस या माइनस बोलना है, किसको बोलेंगे पहले? कंपास के साइड पे सर, उसे नजदीक जो है, पहले इसको हम प्लस या माइनस बोलेंगे फिर इसको नाम देंगे दूसरे एंड को. तो पहला रूल ये, पहला तो वो रूल कि एक एंड इसके कंपास के लेवल में होना चाहिए, उस प्लेन में होना चाहिए. दूसरा रूल ये कि पहले जो रॉड है जो नजदीक है एंड उसको नाम देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में दूसरे वाले को देंगे. कैसे देंगे? तो जहाज के अगर फॉरवर्ड में एक एंड है या स्टारबोर्ड में एक एंड है या कंपास के नीचे एक एंड है, नीचे नहीं ऊपर, सॉरी नीचे या ऊपर? नीचे ही बोला सर, बिलो लिखा था. अच्छा ओके. तो रूल्स आर दिस, अगर
जो क्लोजर एंड है इट इज फॉरवर्ड ऑफ द कंपास और स्टारबोर्ड ऑफ द कंपास और बिलो द कंपास देन इट इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव. मतलब क्या, इफ वी हैव द शेप इफ वी हैव द कंपास दिस रॉड द ऑरेंज एंड विच इज क्लोजर इज इट फॉरवर्ड ऑफ द कंपास और आफ्ट ऑफ द कंपास? फॉरवर्ड सर. सो दिस एंड इज पॉजिटिव. इफ वी हैव अनदर रॉड विच इज लाइक दिस द क्लोजर एंड इज द रेड एंड हेयर. तो पहले तो रेड एंड को नाम देंगे बट दैट रेड एंड विच इज बिहाइंड आफ्टर द कंपास दिस रेड एंड विल बी गिवन द नेम फर्स्ट बट व्हाट नेम शुड इट बी गिवन? नेगेटिव. वेरी गुड. नेगेटिव बिकॉज इट इज आफ्टर द कंपास. अगर जहाज में कंपास ये है, एक रॉड ऐसा है या ऐसा है, तो पहले हम किसको नाम देंगे? या इसको और इसको नाम देंगे. लेकिन दिस एंड इज स्टारबोर्ड ऑफ द कंपास है या नहीं? तो इट शुड बी पॉजिटिव. बट दिस एंड इज पोर्ट ऑफ द कंपास. नेगेटिव. सो इट विल बी नेगेटिव. वेरी गुड. वेल डन. सिमिलरली इफ the rod is below the compass positive then very good well done positive if it is above upar mein hai negative. negative good going. so these are the rules of giving the names. दूसरा एंड जो ये केस हमने लिया था, ऐसा भी हो सकता है कि कंपास यहां है और एक रॉड ऐसे है. एक एंड इज दिस साइड फॉरवर्ड द अदर एंड इज आफ्ट. ठीक. तो ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. दूसरा एंड क्या हो जाएगा? होगा ना, दिस एंड इज फॉरवर्ड ऑफ द कंपास और नॉट? यस सर. यस सर. तो पॉजिटिव हो गया या नहीं? यस सर. दिस एंड इज आफ्ट ऑफ द कंपास और नॉट? यस सर. तो नेगेटिव होगा या नहीं? बिल्कुल सर. या ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक लाल रंग का रॉड बनाए तो दिस एंड इज फॉरवर्ड ऑफ द कंपास और नॉट? Yes, sir. तो ये पॉजिटिव होगी. व्हाट अबाउट दिस एंड? इज इट फॉरवर्ड ऑफ द कंपास? यस सर, पर वो अदर साइड है ना सर. अदर साइड है लेकिन नाम तो देंगे तो ये नेगेटिव होगा सर. नहीं, वो भी फॉरवर्ड है ना. दोनों एंड फॉरवर्ड है. यस सर. पहले तो हम नाम इसको देंगे बाद में उसको देंगे लेकिन दोनों फॉरवर्ड है. तो रेड वाली रॉड जो है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव. सो दिस इज अ पॉजिटिव रॉड. अच्छा. और ये ग्रीन वाली रॉड क्या हो गई? नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव. सो दिस इज अ नेगेटिव रॉड. आ रही बात समझ में? अंडरस्टूड सर. विद मी सर. हाँ बोलिए. सर ये नेगेटिव पॉजिटिव हमारे नॉर्थ साउथ पोल से इनका कोई रिलेशन नहीं है ना सर? नहीं, डायरेक्शन का ये है. मतलब कंपास पे जो कंपास है हमारा, इसमें एक मैग्नेटिक कंपास होगी जिसमें रेड एंड इस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा. होगा ना? कंपास इज व्हाट? मैग्नेटिक नीडल. यस सर. अब हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से ये होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो डिस्टर्बिंग फोर्स बन रहा है सॉफ्ट आयरन से,
वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में? अगर ये राइट साइड वाला डायरेक्शन है, मतलब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ उसके ऑपोजिट काम कर रहा है। ये वाली जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थ के साथ काम कर रहा है, सही बात है या नहीं? यस सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सॉफ्ट आयरन इज विच साइड, इज इट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड और इट इज टुवर्ड्स द आफ्ट। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है ये एग्जैक्टली, बेसिकली वही है घुमा फिरा के। तो अब हम लोग करते हैं बंद, क्योंकि अगली भी क्लास है आपकी, इसको हम स्टडी करेंगे अगले क्लास। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना, क्योंकि 3-4 मिनट ऊपर भी हो गया। सो वी हैव रीच्ड, काफी हमने कवर कर लिया। तो दिस इज बेसिकली द सॉफ्ट आयरन स्टेटस ऑफ द शिप, जिसको हम 9 इमेजिनरी रॉड्स में बात करते हैं। आगे अगले क्लास में देखेंगे कि नॉमनक्लेचर कैसे होगी, कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव, ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ द शिप सॉफ्ट आयरन मे बी रिजॉल्व और हाउ द शिप सॉफ्ट आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाई 9 रॉड्स, इमेजिनरी रॉड्स, 3 प्लेन्स, 3 ओरिएंटेशंस ऑफ द रोड, फॉरवर्ड ऑफ प्लेन, अथवाशिप प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड अलाइनमेंट, अथवाशिप, फॉरवर्ड ऑफ, वर्टिकल, 3 × 3, 9, ए बी सी डी ई एफ जी एच के। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। Signing off. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.